मन बुद्धि को एकाग्र करते हुए अपने आप को देखे, मस्तक के बीच चमकता हुआ मैं एक चैतन्य सितारा हूं। एक श्रेष्ठ आत्मा हूं। सर्वशक्तिवान शिव बाबा का मैं राजा बच्चा हूं। मैं बाबा के वर्षे का अधिकारी हूं। मैं स्वराज्य अधिकारी सो विश्व राज्य अधिकारी हूं। मैं स्वराज्य अधिकारी आत्मा अपने मन बुद्धि संस्कार और कर्मेंद्रियों का राजा हूं। सभी कर्मेंद्रिया मेरे वश में है। मैं अपने मन का मालिक हूं। अपने संस्कारों का भी मालिक हूं। मैं स्वराज्य अधिकारी आत्मा स्वमानधारी हूं। अब अपने श्रेष्ठ स्वमान में स्थित होकर देखे अपना अनादि स्वरूप। मैं आत्मा परम धाम में सर्वशक्तिवान बाबा के साथ हूं। एक सितारे के समान चमक रहा हूं। ज्ञान सूर्य बाबा के साथ होने के कारण मेरी विशेष चमक दिखाई दे रही है। मैं एक विशेष चमकता हुआ चैतन्य सितारा हूं। एक सेकंड के लिए अपने को इसी अनादि स्वरूप में स्थित कर दे। और अब आ जाए सृष्टि चक्र के आदि में। देखे सतयुग में अपना आदि स्वरूप। हम सो देवता इस ऊंचे स्वमान में स्वयं को स्थित कर दे। कितना श्रेष्ठ सुख स्वरूप है। कितना सर्व प्राप्ति स्वरूप है।
दुख का नाम निशान नहीं, प्रकृति भी कितनी सुंदर सतोगुणी है। अनुभव करे अपने देवता स्वरूप का, एक सेकंड के लिए स्वयं को अपने देवता स्वरूप में स्थित कर दे। अब आ जाए द्वापर में, मैं पूज्यात्मा हूं इस पावरफुल समान में स्वयं को स्थित कर दे। देखे अपना पूज्य स्वरूप, सभी कितनी भावना से कायदे प्रमाण हमारी पूजा करते हैं। अपने स्वमान में स्थित होकर अनुभव करे अपने पूज्य स्वरूप का। अब आ जाए संगम में, देखे अपना स्वमान, मैं स्वराज्य अधिकारी ब्राह्मण आत्मा हूं। संगम पर स्वयं भगवान, स्वयं मालिक मुझ आत्मा में पवित्रता की विशेषता भरते हैं। पवित्रता ही मेरे सर्व अविनाशी सुखों की खान है। पवित्रता ही सर्व प्राप्तियों का आधार है। पवित्रता के बल से ही मैं मास्टर सर्वशक्तिवान बनता हूं। सर्वशक्तिवान बाबा ने मुझे भी मास्टर सर्वशक्तिवान बना दिया है। अब चक्र पूरा कर फरिश्ता बन रिटर्न जर्नी करते हुए उड़ चले अपने अव्यक्त वतन, प्यारे बाप दादा के पास। देखे लाइट के वतन में मैं डबल लाइट फरिश्ता सर्वशक्तिवान बाप दादा के साथ हूं। स
संपूर्ण संपन्न बाप समान स्थिति। ओम शांति।